एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट रस्क के बारे में, जो कि शुगरलेस कंपनी बनाती है। अब ये जो डाइट रस्क बनाए गए हैं, ये ध्यान में रखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि जब उनकी बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उनका मन करता है कुछ स्नैक्स खा लें, कुछ मीठा खा लें, तो समझ नहीं आता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे में उनको ध्यान में रखते हुए शुगरलेस डाइट रस्क बनाए गए। आज की इस वीडियो में हम शुगरलेस डाइट रस्क के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसको कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। जो शुगरलेस डाइट रस्क बनाए गए हैं, इसके अंदर रिफाइंड व्हीट फ्लोर होता है, सेमोलिना फोस होता है, इसके अंदर एडिबल वेजिटेबल ऑयल होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सौंफ होती है, इलायची होती है, नमक होता है, कुछ इसके अंदर एडेड फ्लेवर्स डाले जाते हैं जो कि नेचुरल और एक नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी माने जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर एड किए जाते हैं, जैसे इसके अंदर कार्डमम, इलायची और उसके खुद के ऑयल्स। अगर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इसके अंदर एनर्जी होती है 416 कैलोरीज, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 76.5 ग्राम होता है, प्रोटीन इसके अंदर 23 ग्राम है, फैट इसके अंदर 6.47 ग्राम है, शुगर इसके अंदर नाममात्र के बराबर है, कुल 1 ग्राम है। अब बात कर लेते हैं कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। इसे बीपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई फाइबर इसके अंदर होता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुगर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन पेशेंट्स में, जिन लोगों में इनमें से कोई भी दिक्कत होती है और मन करता है कि कुछ स्नैक्स खा लें या कुछ मीठा खा लें जब भी कोई ऐसी भूख लगती है, तो ऐसे में वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में लिए हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट से कभी भी एक्सपोज ना करें, और जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो तुरंत महीना दो महीना में खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप रखेंगे इसे महीनों तक, तो ये खराब हो जाएगा और इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा। आज की इस वीडियो में हमने शुगरलेस डाइट रस्क के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।